हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स विद तू। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है कि एक घंटे का 1 आवर का कितना फ्रैक्शन होगा जो 40 मिनट्स का है। अब देखो वही चीज है जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था कि देखो सबसे पहले तो ये यूनिट्स इक्वल नहीं है, ये आर में है और ये मिनट्स में है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगेन हम वही करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं पहले वो लिखेंगे। 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स और हमें फ्रैक्शन जो निकालना है वो निकालना है 40 मिनट्स का और हमारे पास टोटल कितना है, 60 मिनट्स है, ठीक है। टोटल कितना है, 60 मिनट्स है। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं। तो हम टोटल को नीचे लिख लेते हैं, 60 आ गया नीचे और हमें कितने का फ्रैक्शन निकालना है, 40 मिनट्स का। तो 40 आ गया ऊपर, तो 40/60। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा था, फ्रैक्शन में कभी भी हम इसे ऐसे नहीं छोड़ते, इसे लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए लोअस्ट टर्म क्या होता है, बिल्कुल उसके इतने मतलब इतना छोटे पार्ट में कर दो कि उसके और टुकड़े ना हो सके। तो ये जीरो से हमारे पास जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद ये टू के टेबल में आते हैं दोनों, 2 2 4, 2 3 6। तो हमारे पास आंसर क्या बना, 2/3। ओके, एक बार दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक घंटे का 1 आवर का कितना फ्रैक्शन होगा जो 40 मिनट्स होगा। अब हम जानते हैं कि आवर और मिनट्स जो है सेम यूनिट्स नहीं है, तो आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमारे पास अब जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, सेकंड भी किया था, तो हमने क्या किया था, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, जितना भी टोटल होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो हमारे पास यहाँ टोटल क्या है, 60 मिनट्स है। ओके, क्योंकि मिनट्स को मिनट्स टोटल एक घंटे में 60 मिनट ही होते हैं, 70 या 80 नहीं होते, ना ही 30 या 40 होते हैं, 60 मिनट्स ही होते हैं। तो 60 मिनट्स हमारे पास टोटल है, तो ये हमने नीचे लिख दिया और हमें निकालना कितने का फ्रैक्शन है, 40 मिनट्स का। तो ये हमने 40 ऊपर लिख दिया। अब उसके बाद उसको लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 के टेबल में 2 2 4, 2 3 6। तो हमारा जो आंसर बना वो बना 2/3। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू दी